अरे किताबों में तो बहुत पढ़ लिया कि एसिड जो है वो लिटमस को रेड कर देता है और बेस जो है ब्लू कर देता है। ये है आपके सामने हल्दी, ये जो है एसिड में ऐसी ही रहती है और बेस में लाल हो जाती है। अरे बहुत पढ़ लिया, लेकिन आज हम प्रैक्टिकल करके देखेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले हमारे पास है रेड और ब्लू लिटमस, उसके अलावा हल्दी, ये भी आपका एक इंडिकेटर की तरह काम करती है। तो हमारे पास इंडिकेटर है, लेकिन यूज किस पे करेंगे? तो हमारे पास है सबसे पहले एक लेमन। आपको पता है लेमन में क्या होता है? नींबू में सिट्रिक एसिड होता है। तो सबसे पहले चलो इसका सिट्रिक एसिड निकालते हैं। संभाल के काटना है। ये हमारे पास है टेस्ट ट्यूब। इससे नींबू पानी बना लेंगे। ये हमारे पास है सस्ता सा स्टैंड। बाकी आप वीडियो को लाइक और शेयर करोगे तो बड़े वाला भी खरीद लेंगे। उसके बाद अब हमें चाहिए एक बेस। एसिड हमारे पास तैयार है, कौन सा? सिट्रिक एसिड। अब हम बनाएंगे बेस। तो बेस के लिए हमारे पास है डिटर्जेंट पाउडर, सर्फेक्सल का महंगे वाला लिया है। तो अब हम इस टेस्ट ट्यूब में बनाएंगे थोड़ा सा बेस। ये हमारा एक बेस तैयार हो गया, बेसिक है। इसको भी अपने सस्ते से स्टैंड में रख देते हैं। अब बारी है टेस्ट करने की। तो अब टेस्ट करने की जब बारी आएगी तो सबसे पहले हम टेस्ट करेंगे लिटमस को। तो आपको पता है कि जो एसिड है वो रेड लिटमस को रेड ही रहने देता है। तो हम जो है इसके लिए ट्राई करेंगे ब्लू लिटमस, क्योंकि ब्लू लिटमस हो जाना चाहिए रेड अगर एसिड में है। तो सबसे पहले हम लेंगे यहाँ पे एक ब्लू लिटमस। ये हमने एक स्ट्रिप यहां से ले ली। अब हमारे पास है बहुत ही बढ़िया एक ड्रॉपर। इससे हम देखो यहां से लेंगे अपना, ये हमने इस पे रख दिया। अब हम इससे लेंगे अपना सिट्रिक एसिड। ये हमारा लेमन जूस आ गया है और इसको हम डालेंगे इस पे। भाई साहब देख रहे हो, गजब एकदम। देखो जहां जहां ये डल रहा है एकदम कैसा हो गया, रेड हो गया कि नहीं? देखो जितने हिस्से में डल गया वहीं पे रेड हो गया। भाई कमाल, इसका मतलब नींबू में आपका सच में सिट्रिक एसिड होता है और ये ब्लू लिटमस को रेड बना देता है आपकी आंखों के सामने है। ठीक है, अब जो है हम क्या करेंगे, अब हम ट्राई करेंगे इसको, अब हम ट्राई करेंगे इसी चीज को रेड लिटमस के साथ। और इस बार हम लेंगे बेस। ये हमारे पास आ गया रेड लिटमस, ये आपके सामने है। अब हम लेंगे बेस। तो ये रहा आपका बेस। तो ये बेस हमने ले लिया है, अब इसको डालेंगे हम ब्लू। भाई साहब ये यहां पे रेड लिटमस, नाम भी नहीं बचा रेड लिटमस का, पूरा ब्लू हो गया। और मैजिक देखोगे, इस पे डाल दूं थोड़ा सा, अरे खराब हो जाएगा। तो यहां पे ये आपने देख लिया कि भाई लिटमस जो है वो जब एसिड डाला जाता है तो ब्लू से हो जाता है रेड, और आपका ब्लू लिटमस जो है डिटर्जेंट जो कि आपका बेसिक होता है वो डालते ही हो जाता है ब्लू, रेड से ब्लू। अब बारी है इस हल्दी की, अब बारी है इस हल्दी की। चलो सब्जी में तो बहुत खाई है, आज इससे टेस्ट भी करते हैं। ये भाई हमने ले ली हल्दी, अब हम जो है डिटर्जेंट लेने के फायदे देखो, साथ साथ ये साफ हो गया। अब जो है हम यहां पे सबसे पहले एसिड डालेंगे किसके ऊपर? हल्दी के ऊपर। देखो कुछ भी नहीं हुआ, ऐसी की ऐसी है, कोई चेंज नहीं आया कलर के अंदर। और हमने यही पढ़ा है कि आपका जब जो है एसिड जो है उसमें हल्दी का यानी टर्मरिक का कलर सेम रहता है। अब बारी है भाई आपके बेस की। तो बेस में तो भैया मैजिक आना चाहिए, देख लेते हैं क्या सच में ऐसा होता है। तो ये हमने डाला, भाई साहब ये देखो खून जैसा लाल हो गया, लाल एकदम। देख लो हल्दी कैसी हो गई लाल, क्योंकि ये आपका क्या है, बेस है। आपके सामने पूरा का पूरा हमने टेस्ट कर दिया है यहां पे। ये देखो फटाफट
यहां पे हमने क्या डाला था, ये आपका ब्लू लिटमस था, एसिड डाला रेड हो गया, ये आपका रेड लिटमस था, बेस डाला तो कैसा हो गया ब्लू, हल्दी में कोई चेंज नहीं आया एसिड से, और आपका जो है ये हल्दी लाल हो गई जब हमने इस पे बेस डाला, जब जो कि हमने डिटर्जेंट यूज किया। तो कैसा लगा आपको ये एक्सपेरिमेंट? ऐसे ही अमेजिंग से एक्सपेरिमेंट से हम साइंस की बहुत सारी चीजें समझेंगे और प्रूव करेंगे। आप भी ये ट्राई कर सकते हो, तो सिंपल सी चीज है, हल्दी वाला तो आप ट्राई कर ही सकते हो, जरूर ट्राई करना। और ऐसी ही अमेजिंग वीडियो देखने के लिए लाइक शेयर और सब्सक्राइब, क्योंकि लाइक शेयर करोगे तभी हमें मोटिवेशन मिलेगा और हम ऐसी ही अमेजिंग वीडियोस बनाते रहेंगे आपके लिए। तब तक के लिए ख्याल रखो, थैंक यू।